नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 29 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार के दैनिक राशिफल की। शुरुआत सबसे पहले करेंगे मेष राशि के साथ। मेष राशि, बेवजह की व्यर्थ की दौड़ भाग आज आपके लिए दिखाई दे रही है और आज आपके परिवार में बेवजह के तनाव भी हो सकते हैं। शांति रखिएगा, धन के खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, बेवजह पैसा खर्च करने से बचिए। किसी निर्धन को अगर आज थोड़ी सी सफेद मिठाई का आप दान कर दें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। वृषभ राशि, कोई प्रॉपर्टी इस समय आप खरीद सकते हैं, ये संभावना आपके लिए बनी हुई है और इस समय आपको अचानक धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। परिवार में इस समय कोई शुभ और कोई मंगल कार्य होगा, यह संभावना आपके लिए बन रही है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। मिथुन राशि, काम का प्रेशर, काम का दबाव काफी हद तक कम होगा। करियर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं थी वो समस्याएं हल होंगी और इस समय आपके लिए धन प्राप्ति के बड़े अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं, तो दिन आपका कुल मिला के बेहतर है। भगवान शिव को थोड़ा सा पंचामृत अगर आप अर्पित कर दें तो आपके दिन की शुभता और भी ज्यादा होगी। कर्क राशि, कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम इस समय अचानक से आपका बन जाएगा। रिश्तों की समस्या आपकी बिल्कुल हल होगी, रिश्तों के तनाव आपके कम होंगे। इस समय आपके करियर में परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं। भगवान शिव को अगर एक लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। सिंह राशि, अपने वाणी पर नियंत्रण आप बनाए रखिएगा, कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा, कुछ भी ऐसा मत कहिएगा जिससे चीजें खराब हो जाएं। परिवार में बेवजह के विवादों से इस समय आपको बचना होगा और वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा वरना चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। किसी निर्धन को अगर आप सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें निश्चित रूप से कम हो जाएंगी। कन्या राशि, पैसे रुपए को लेकर थोड़ी बहुत भी अगर समस्या थी तो वो धन की समस्या आपकी हल होगी। करियर की स्थिति आपकी कुल मिला जुला कर अच्छी बनी रहेगी और सबसे बेहतर बात यह है कि आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आज आपकी सेहत में सुधार होगा। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का आप दान कर दें तो आपका दिन आज और भी ज्यादा शुभ होगा। तुला राशि, नए काम की शुरुआत इस समय आप कर सकते हैं, उस समय आगे बढ़ सकते हैं और कारोबार के मामले में, व्यापार के मामले में इस समय आपको लाभ हो सकता है। किसी मनोरंजन में, किसी इंटरटेनमेंट में आप व्यस्त रहेंगे आज, ऐसी संभावना भी दिख रही है। भगवान शिव को अगर थोड़ा सा पंचामृत आप अर्पित कर दें, प्रार्थना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। वृश्चिक राशि, करियर में आपके सुधार होता दिख रहा है। दिया हुआ, रुका हुआ, डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा, लेकिन इतना ध्यान आज रखिएगा कि किसी भी तरह के निर्णयों में कोई जल्दबाजी मत करिएगा वरना बना बनाया काम बिगड़ सकता है। किसी निर्धन को अगर आज थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। धनु राशि, बेवजह परिवार की चिंताएं आपके मन को परेशान कर सकती हैं और ऑफिस में बेवजह के विवाद इस समय हो सकते हैं। आज वाहन सावधानी से चलाइएगा वरना बेवजह चोट की चपेट में आ सकते हैं, आज के दिन सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन को अगर आज सफेद मिठाई का आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। मकर राशि, पारिवारिक मामलों में आज व्यस्तता आपकी बनी रहेगी।
आपकी किस्मत से आपके जीवन साथी को फायदा होता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखना आपके लिए आवश्यक होगा, जरूरी होगा। भगवान शिव को अगर एक लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपके लिए दिन बहुत शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपकी मानसिक चिंताएं भी दूर होंगी। आपके परिवार में इस समय कोई शुभ और कोई मंगल कार्य होने की संभावना दिख रही है, दिन आपका बेहतर है। किसी निर्धन व्यक्ति को थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। मीन राशि, करियर को लेके जो भी परेशानियां थी, जो भी चिंताएं थी, वो समस्याएं, वो चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। काम करने के, करियर के नए अवसर इस समय आपको मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों के मामले में, रिश्तों के मामले में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करके प्रार्थना करिएगा, आपका दिन और भी शुभ होगा, करियर की सारी मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। तो ये तो रहा 12 राशियों के लिए आज का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाय। आज शाम के समय में मां लक्ष्मी की पूजा करिएगा। सूर्यास्त के बाद करेंगे तो ज्यादा शुभ होगा। मां लक्ष्मी की पूजा करें और कैसे करेंगे, उनको बेल पत्र अर्पित करिएगा। कम से कम 3, 7 या 11 बेल पत्र अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। अगर धन संबंधित कोई मुश्किलें हैं, अगर धन संबंधित कोई समस्याएं हैं तो वो समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो आपके लिए आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।